यदि आपने LIC या किसी भी जीवन बीमा कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई हुई है तो एक बात इसमें ध्यान देने वाली ये है कि आपको उस पॉलिसी का प्रीमियम समय पर आपको भरना है। यदि आप LIC का प्रीमियम समय पर नहीं भरते हैं, यदि लेट भरते हैं, तो मान लीजिए आपका 15 तारीख का पॉलिसी है, ठीक है, और 15 तारीख को आपका प्रीमियम आपको भरना है नेक्स्ट 15 तारीख का। यदि क्वार्टरली कराए हैं, मतलब तिमाही कराए हैं, तो हर 3 महीने की 15 तारीख को आपका प्रीमियम बैठेगा। 6 माही कराए हैं तो हर 6 महीने बाद 15 तारीख को आपको प्रीमियम बैठेगा। सालाना कराए हैं तो हर साल जिस महीने में कराएं, मान लीजिए 15 जनवरी में करवाएं हैं, तो हर साल 15 जनवरी को आपकी किस्त की डेट बैठेगी, ठीक है। तो किसी भी कंपनी का आप जीवन बीमा लेकर के रखे हुए हैं, चाहे वो बाइक का हो, चाहे आपका खुद का हेल्थ का हो या फिर लाइफ का हो, ठीक है, उसमें आपको सेम डेट पर आपको इंश्योरेंस प्रीमियम आपको भरना है। कुछ कंपनियाँ इसमें ग्रेस वगैरह देती हैं, जैसे कुछ कंपनियाँ 15 दिन का ग्रेस देती हैं, कुछ 1 महीने का देती हैं। तो मैं तो बोलता हूँ ग्रेस वगैरह का ध्यान मत रखिए, आप मेन ध्यान रखिए कि आपको एग्जैक्ट डेट पर आपको किस्त दे देनी है, ठीक है। बहुत इनिशियल केस में यदि दिक्कत है तो आप ग्रेस पीरियड का यूज कर सकते हैं। तो संबंधित पॉलिसी में आप पता कर लीजिए कि कितने दिन का आपको ग्रेस मिल रहा है, ठीक है। तो उस ग्रेस पीरियड के हिसाब से बहुत ज़्यादा ग्रेस नहीं मिलता है, ठीक है, 1 हफ्ते या 15 दिन का आपको उसमें ग्रेस मिलता है। और आपको समय पर किस्त भरना इसलिए ज़रूरी है कि मान लीजिए आपने कोई पॉलिसी चालू की है, तो पॉलिसी का बेनिफिट तभी मिलेगा जब उसका समय पर प्रीमियम आप पेड करेंगे, ठीक है। यदि समय पर प्रीमियम पेड नहीं करेंगे और भगवान ना करे कोई मिसहैपनिंग हो जाए, कोई हादसा ऐसा हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको क्लेम नहीं मिलेगा। फिर क्या है, बहुत सी जीवन बीमा कंपनियाँ क्या है, मजबूर होती हैं क्लेम ना देने के लिए, ठीक है, क्योंकि कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं। जितनी भी जीवन बीमा कंपनियां होती हैं अपने इंडिया में, मेरे ख्याल से 24 जीवन बीमा कंपनियां हैं, या हो सकता है ज़्यादा हों, तो जितनी भी जीवन बीमा कंपनियां हैं उनके ऊपर एक बोर्ड काम करता है, एक कंट्रोलर काम करता है, जो कि IRDA है। हर एक चीज़ के ऊपर एक कोई ना कोई बैठा होता है। जैसे कि आज की डेट में जितने भी बैंक हैं उनका जो मुखिया है वो RBI है, ठीक है। तो RBI जो रूल्स और रेगुलेशन बनाएगा उसके आधार पर सभी बैंकों को काम करना होगा, कोई भी बैंक उसके नियमों पर इरादा नहीं कर सकता। उसी तरह से जितनी भी जीवन बीमा कंपनियां हैं उसके जो भी नियम बने हैं या जो भी वो अपडेटेड नियम ला रहा है, तो उसका कहना सभी जीवन बीमा कंपनियों को मानना पड़ेगा। यदि कोई जीवन बीमा कंपनी कहना नहीं मानेगी तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकेगी, ठीक है। तो इस वजह से कुछ IRDA के नियम हैं जिसके आधार पर पॉलिसियाँ होती हैं और पॉलिसियों में बेनिफिट मिलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर समझने वाली ये है, यदि आपने कोई भी जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है या गाड़ी की पॉलिसी ले रखी है, जनरल इंश्योरेंस ले रखा है या हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो आप उसका किस्त का जो है डेट पर उसको किस्त को पेड कीजिए। यदि आपकी किस्त बाकी रह जाती है और उस दौरान कोई मिसहैपनिंग हो जाए, कोई हादसा हो जाए और जिस व्यक्ति का बीमा है वो डेथ कर जाए, एक्सपायर हो जाए, तो उस कंडीशन में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्लेम नहीं मिलेगा। यदि आप समय पर, मान लीजिए आपका जिस समय जो व्यक्ति स्विच ऑफ हुआ है, जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस है और वो व्यक्ति स्विच ऑफ हो गया, समय पर किस्त जमा नहीं किया है, मतलब जिस समय वो डेथ हुआ है उसका, उस समय पॉलिसी रनिंग कंडीशन में होनी चाहिए, उसकी किस्त बाकी नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब ये। तो इसलिए देखिए आजकल के समय में किस्त भरना इतना आसान हो गया है बिजली के बिल भरने की तरह। मतलब आप मोबाइल से देखिए, हर एक कंपनी का ऐप है जिस पर जाकर के आप किस्त भर सकते हैं। हमारे LIC में देखिए आपको ग्राहक सेवा पोर्टल मिल जाता है, LIC के डायरेक्ट ऑफिशियल वेब पेज पर जाकर के आप किस्त भर सकते हैं। अपना ग्राहक का खुद का पोर्टल भी आप उसमें बना सकते हैं, सारी डिटेल आपको पोर्टल से मिल सकती है। इसके अलावा हर एक कंपनी के अपने खुद के ऐप हैं, जैसे LIC तो LIC का भी अपना खुद का ऐप है, ठीक है, उसको आप डाउनलोड करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से भी आप किस्त इंश्योरेंस का प्रीमियम भर सकते हैं। इसके अलावा जो फोन पे, गूगल पे, जो भी UPI प्लेटफॉर्म है, फोन पे गूगल पे के जो ऐप हैं उनके माध्यम से, पेटीएम है, उनके माध्यम से आप इंश्योरेंस प्रीमियम भर सकते हैं आसानी से। कुछ नहीं, आपको पॉलिसी नंबर डालना होगा, उस पर जा करके अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी और ज़्यादा बहुत रेयर केस में आपको ईमेल ID डालनी पड़ेगी, और इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल करके आसानी से अपने इंश्योरेंस का प्रीमियम भर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो आपको देना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।